हम लोग जी के लिए वन वर्ड सब्सिट्यूशन एकदम रैपिड फास्ट तरीके से देख रहे हैं तो कल हमने क्वेश्चन पूछा था दैट गिविंग के ये क्या होता है तो आप लोग बताइए क्या होता है अबलेज्म आइकोनोक्लास्ट मैडन या फिर नेपोटिज्म तो ये होता है नेपोटिज्म वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट ये क्या होता है डिक्टेटर हिपोक्रिट फलस्टाइन या फिर प्राइमेटिव तो ये होता है फिलिस्टाइन मैनिया फॉर ट्रेवल ये क्या होता है ड्रोमोमेनिया हाइपोमैनिया मेगालोमैनिया निम्फोमिया क्या होता है तो ये होता है ड्रोमोमैनिया वन हुए सडनली गेन न्यू वेल्थ पावर आर प्रेस्टीज ये क्या होता है इगोटिस्ट इम्पोस्टर पारवेन्यू या स्कलरी तो यह होता है पारवेन्यू एन एसोसिएशन इन क्राइम ये क्या होता है एक्म्पलिस कैलस इटिनिटेंट फलस्टाइन तो ये होता है एक्म्पलिस मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वेन दैन एज अ मैन ये क्या होता है बाईपड इफेमिनेट ग्रीगेरियस या फिर इन अलाइनेबल तो ये होता है इफेमिनेट स्पीकिंग विद अ स्टैमर आरलिस्प ये क्या होता है मेलिल्यूकेंट डेंटिलोकेंट फैटिल लोकेंट या फिर स्टरिंग तो ये होता है स्टरिंग अगर आप लोगों को इस तरीके की वीडियो पसंद ना आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास जाए एक्सेसिव डिजायर टू वर्क ये क्या होता है एल्गोमैनिया आइडोलोमैनिया एस्लोमैनिया या फिर एथनोमैनिया तो ये होता है एर्गोमैनिया दैट विच इज अवे फ्रॉम सेंटर ये क्या होता है एक्सेंट्रिक सेंट्रिक एलिप्सिस या फिर तो ये होता है एक्सेंट्रिक। वन हु वैल्यूज प्रैक्टिकलिटी ये क्या होता है एपोथीसिस प्लाइबल प्रैगमेटिस्ट या फिर रियलिस्ट तो ये होता है प्रैगमेटिस्ट किलिंग ऑफ बर्ड्स क्या कहलाता है हर्बिसाइड एविसाइड वर्पिसाइड या फिर मैट्री तो ये कहलाता है एविसाइड लव फॉर डॉग्स ये क्या होता है पेडियोफीलिया सिंकफिल या फिर कैनोफेलिया या फिर जोफेलिया तो ये होता है कैनोफेलिया लाइक ऑफ सिविक माइंडेडनेस आर आप पैट्रोटिज्म ये क्या होता है आइक्नोमैसी इनसिविज्म सैड या फिर क्लर्जी तो ये होता है इनसिविज्म स्टडी ऑफ स्नैक्स ये क्या कहलाती है फिलोलॉजी फ्रेनोलॉजी ओफिलोलॉजी या फिर यूरोलॉजी तो ये कहलाती है ओविलोलॉजी प्रिपरिंग आर अट्रैक्टेड टू सनलाइट ये क्या होता है लिथोफीलियस हेलियोफीलियस टोपोफीलिया या फिर होमोफाइल तो यह होता है हेलियोफीलियस म्यूचुअल डिस्कोर्स ये क्या होता है सोलिलोलॉकी अब्लोलॉकी कोलोलोकी या फिर इलोक्वेंस तो ये होता है कोलोलोकी मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी ये क्या होता है अब्रिजमेंट कंडीमेंट एम्बेजलमेंट या फिर बिरीवमेंट तो ये होता है

वन हु डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी ये क्या होता है साइनस डेमागॉग इपिक्योर या फिर वेंडल तो ये होता है वेंडल अच्छा अभी हम लोग ये रैपिड फास्ट तरीके से केवल देख रहे हैं एक प्रैक्टिस टाइप में कर रहे हैं इनको एक एक वर्ड को समझना हम लोग पहले प्रीवियस के कुछ वीडियो में देख चुके हैं और आगे भी समझेंगे अगर जब कोई एग्जाम होगा अभी तो केवल प्रैक्टिस हो रही है हम लोगों की वन हु लोड्स एंड अनलोड्स सिप्स ये क्या होता है स्टीवडोर ट्रांसग्रेसर लैपिडिस्ट या तो ये होता है बिलीव आर ओपिनियन कॉन्ट्रेरी टू वॉट इज जनरली एक्सेप्टेड ये क्या होता है इनवोकेशन इनकॉगनीटो हेयरसाई या फिर मर्सनरी तो ये होता है ट्रेवासिटी सोलियसनेस या फिर ग्रेविटी तो ये होता है ट्रेवासिटी अ फीलिंग ऑफ इंटेंस लॉन्गिंग फॉर समथिंग ये क्या होता है यर्निंग अपैथी तो ये होता है यर्निंग इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड एज व्यूज ऑरिजिनली ये क्या होता है वर्बैटिम ऑबीट डाइवर्जेंट या फिर कॉन्ट्रेरी तो ये होता है वर्बैटिम अ बैंड ऑफ रॉबर्ट ये क्या होता है कैनिबल ब्रिगान सॉवेस्ट या फिर कॉकेट तो यह होता है ब्रिगान स्वइंग स्ट्रोंग फीलिंग ये कहता है मीक वेहेमेंट अपैथेटिक या फिर इम्पोर्टेंट तो ये होता है वेहेमेंट फॉर द ब्लेड ऑफ अ स्वॉर्ड ये क्या होता है स्केबार्ड फिर एक्सपोज तो ये होता है स्केबार्ड वन हैज नो मनी यह क्या होता है पॉलीग्लॉट पॉपर लुनेटिक या फिर रिक्ले तो ये होता है पॉपर द यूज अपर नी टू मॉक आर कन्वे कंटेम्प यह क्या होता है सरकाजम वन डाइज विदउट अ वर्ल ये क्या होता है इंटरस्टेट इफेमिनेट फॉगेटिव या फिर हैरिटिक टू ये होता है इंटरस्टेट द अपवर्ड फोर्स दैट अ फ्लोइड एक्र्ट ऑन अ बॉडी फ्लोटिंग इन इट ये क्या होता है अपथ्रस्ट तो प्लस सबमर्ज या फिर कैपसाइज ये होता है अच्छा प्लंज क्या होता है इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है टू फ्री समी फ्रॉम आल ब्लेम ये क्या होता है हाइब्रो एक्सनरेट स्केप्सिज्म हेमपेक तो ये होता है एक्जनरेट वन हु स्पीक्स लेस ये क्या होता है बोहेमियन रेटिसेंट अपोस्टेट या फिर आर्बिट्रेटर तो ये होता है रेटिसेंट पर्सन या टू क्वेश्चन तो ये होता है skeptic. A place, under trees. ये क्या होता है? डेबन बावर फिर फिगरेटिव तो ये होता है बावर स्मॉल रूम फॉर वर्शिप ये क्या होता है बेल ब्रूट कैश या फिर चैपल तो ये होता है चैपल अ पर्सन विदाउट होम जॉब और प्रॉपर्टी क्या होता है आइकोनोक्लास्ट डेरेलिक्ट या फिर इम्प्रेगनेबल तो ये होता है डेरेलिक्ट अ वार्निंग आप इम्पेंडिंग तो ये, ये क्या होता है मोनिशन नाइव डेफ या फिर अब ट्यूज तो ये होता है मोनिशन कंसर्न विद ब्यूटी आर द अप्रीशियेशन ऑफ ब्यूटी ये क्या होता है फाउल हीस ग्रॉस या फिर एस्थेटिक तो यह होता है एस्थेटिक द क्राइम ऑफ कंट्री ये क्या होता है ट्रेजन फ्रेंकनेस फर्डलिटी या फिर एलिजियंस तो ये होता है ट्रेजन फैनेटिकल एंड अनकम्प्रोम आइडियल्स ये क्या होता है नॉन पर्सियन जेलट्री न्यूट्रल या फिर अलूफ तो ये होता है ज्वेलट्री स्पीकिंग टू हार्म समॉर अर्सीव्ड इंजरी ये क्या होता है एफबल कॉर्डियल ंगफुल या फिर बेनाइन तो ये होता है मिलिट्री अलिट्री पॉलिटिकल ग्रुप दैट रूल्स अ कंट्री आफ्टर टेकिंग पावर बाय फोर्स ये क्या होता है जॉन्टा सफरेज इमानसपेशन इगैलिटेर तो ये होता है जॉन्टा प्रोटेक्शन ऑफ अथॉरिटी और अनएडेड तो यह होता है ट्यूटलेज ऑप्टिमिस्टिक इन एंड अपारेंटली डिफिकल्ट सिचुएशन ये क्या होता है सैंग्विन पैलिड पेजमिस्टिक या फिर सैलो तो ये होता है सैंग्विन कन्फर्मेटेड टू फैक्ट्स ये क्या होता है थ्योरी डिस या फिर वरासिटी तो ये होता है वरासिटी सर्च फॉर एंड कलेक्ट एनी थिंग यूजल फ्रॉम डिस्कारटेड वेस्ट ये क्या होता है स्केवेंज डिस्पर्स डिसिपेट या फिर स्कैटर तो ये होता है स्कैवेंज एक्सेसिवली लेंथी स्पीच क्या होता है कंसीजन वर्बिएज कट या फिर सक्सेंट तो ये होता है वर्बिएज एन ऑर्नामेंट स्टफ कैरीड बाय रूलर्स ऑन सेरेमोनियल ऑकेजन एज अ सिंबल ऑफ सोवरेनिटी ये क्या होता है स्पेक्टकल रिसिपटकल या फिर स्केप्चर या फिर जेफर तो ये होता है स्केप्चर द स्टेट ऑफ बींग इन शॉल्ट अप्लाई ये क्या होता है प्लेथोरा माइरिड स्कॉर या फिर प्रोफ्यूजन इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग